मॉर्निंग, और क्या हाल चाल है आपके? आज का सेशन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट को SFD BMD के सेक्शन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और नए तरीके बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स भी बना लेंगे और इनकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। तो जो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, सबसे पहला ये है कि रिएक्शन कैसे निकालना है। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है रिएक्शन की। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाते हैं और मोमेंट लेते हैं। पर यहाँ पर आपको एक सिंपल फार्मूला याद रखना है कि अगर आपको इस सेक्शन पर रिएक्शन निकालना है तो RA इज इक्वल टू P इसके राइट साइड की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ A+B। और अगर आपको इस सेक्शन का रिएक्शन निकालना है तो इसके लेफ्ट साइड के डिस्टेंस डिवाइडेड बाई A+B। तो आप ये दोनों जो फार्मूले हैं इसको ज़रूर याद रखिए शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। और अगर सेक्शन में UDL लगा हुआ है और उसकी कुछ डिस्टेंस दे रखी है अल्फ़ा, और इस पूरे स्पैन की लेंथ A और B में डिवाइड है, और इस पर एक यूनिट लोड W भी लग रहा है, तो इस केस में जो आपका RA रिएक्शन होगा इस वाले सेक्शन पे, ये होगा W × जहाँ तक आपका UDL काम कर रहा है मल्टीप्लाइड राइट साइड की डिस्टेंस A+B, और इसी के अपोजिट जो है वह बस डिस्टेंस का अपोजिट सेक्शन पे मल्टीप्लिकेशन है। अब आता है शियर फोर्स की बात। आप स्पैन के बारे में तो आपको नॉलेज होगी, और जितने भी लोड्स होते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगी। तो आगे हम शियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। समेशन ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट फोर्सेस, ये होता है शियर फोर्स का मतलब। और बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट मोमेंट्स। तो शियर फोर्स में हम हमेशा फोर्स की बात करते हैं और बेंडिंग मोमेंट में हमेशा मोमेंट की बात करते हैं। जहाँ तक साइन कन्वेंशन की बात आती है, ये सेक्शन जो बना हुआ है इससे आपको ये समझना है कि आप जहाँ से भी आपका लोड लग रहा है उसके राइट हैंड साइड की तरफ अगर जितने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हैं वो पॉजिटिव, और अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप ले रहे हैं तो जितने भी फोर्सेज हैं वो क्या? पॉजिटिव। लेकिन अगर इसके अपोजिट है, अगर आप अपवर्ड ले रहे हैं तो वो फोर्सेज निगेटिव हो जाते हैं, और अगर डाउनवर्ड ले रहे हैं तो वही फोर्सेज निगेटिव हो जाते हैं। किधर? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या है, अगर अपवर्ड लोडिंग लग रही है तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है तो निगेटिव लेंगे। हर बुक में ये अलग अलग होता है, ये आपके खुद के सेल्फ डिफाइन है। आप चाहें तो इसे निगेटिव और इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है, होती है सैगिंग और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग मतलब अगर आपका सेक्शन ऊपर की तरफ सैग कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे कर रहा है, तो ये होता है सैगिंग का साइन, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और हॉगिंग मतलब अगर आपका कोई भी बीम है और उस पर ऊपर से लोड लग रहा है और वो ऐसे सेक्शन बेंड कर रहा है, तो वो हो गया निगेटिव, यानी कि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थ्योरी में लिख कर आ जाएगा एग्जाम में कि द चेंज इन शियर फोर्स किसके बराबर होता है, या आपका जो भी DV/DX हमने यहाँ पर सेक्शन लिख रखा है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ शियर फोर्स है, मतलब चेंज इन शियर फोर्स किसके बराबर होता है, गिवन लोड के बराबर। जितना भी लोड है सेक्शन का वो उसके चेंज इन शियर फोर्स के बराबर होता है। अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप भी चेंज इन शियर फोर्स के बराबर होता है। अब चेंज इन शियर फोर्स किसके बराबर होता है? लोड के। तो इनडायरेक्टली स्लोप भी हमारा लोड के इक्वल होता है। लोड इंटेंसिटी और स्लोप दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए। एक चीज़ और है, अगर आपका आपके सेक्शन का शियर फोर्स डायग्राम आपने बना लिया है तो जो चेंज ऑफ शियर फोर्स होगा किस सेक्शन के बीच में, यहाँ पे मान लिया आपने कोई भी बीम है और उसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ये सेक्शन है, ये आपका ऐसा शियर फोर्स डायग्राम बन गया, यानी कोई लोड यहाँ पे लग रहा होगा, कोई लोड यहाँ पे लग रहा होगा, हमको ऐसा शियर फोर्स डायग्राम मिला है, ये वन ये टू सेक्शन है। तो चेंज ऑफ शियर फोर्स बिटवीन वन एंड टू सेक्शन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी डायग्राम। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स होगा आप इन दोनों का एरिया निकाल कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, ये एक तरीके का क्या है, ट्रेपेज़ॉइड है, तो ट्रेपेज़ॉइड का एरिया आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को आप ट्रायंगुलर ले लीजिए, नीचे वाले सेक्शन को रेक्टेंगुलर ले लिया, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, या आप पूरे ट्रेपेज़ॉइड का एरिया डायरेक्ट लिख लीजिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। इसके बाद DM/DX यानी कि चेंज इन मोमेंट किसके बराबर होता है,
शीयर फोर्स के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि आपका चेंज इन शीयर फोर्स लोड के बराबर, स्लोप लोड के बराबर और चेंज इन मोमेंट शीयर फोर्स के बराबर। पॉइंट, अब एक बात और आती है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होता है आपका, वो कभी भी वहाँ पर नहीं होता जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब होता है पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, वो वैल्यू जहाँ पर, मान लिया कि कोई सेक्शन है वहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है और ये पॉजिटिव था और ये यहाँ से निगेटिव में जा रहा है, तो ये जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो ज़ीरो हो। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, इसका साइन चेंज होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव से निगेटिव सेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है पर साइन भी चेंज हो रहा है साथ में, तो साइन चेंज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसी को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। इसके आगे एक पॉइंट और आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट वेन डिफ्लेक्टेड शेप चेंज द कर्वेचर, ठीक है, अगर आपका कोई भी शेप जो है कर्वेचर का चेंज हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा, यहाँ पर एक लाइन में मैंने लिख दिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वेयर बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है जिसके साथ साइन भी चेंज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, यानी कि अगर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट शुड चेंज साइन इट नेसेसरी। यहाँ पे आपको इस सेक्शन में कुछ कर्व दिख रहे हैं, ये कर्व जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हैं। तो जो सबसे पहला कर्व है यहाँ पे, ये दिख रहा है पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट स्लोप लाइन, इसके बगल में जो है वो निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट स्लोप लाइन के लिए। इसके बाद जो नीचे वाला है पॉजिटिव एंड डिक्रीज स्लोप, ये कर्व्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है इंक्रीजिंग पॉजिटिव एंड इंक्रीज स्लोप, ये निगेटिव एंड डिक्रीज स्लोप, ये निगेटिव एंड इंक्रीज स्लोप। तो ये जो सारे टाइप के कर्व्स हैं, इन कर्व्स का डायरेक्ट रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पे कि डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू, यानी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है लोड इंटेंसिटी के, या यूनिट लोड, या जो भी यूडीएल हमारे सेक्शन पे लग रहा है। दूसरा क्या है, अगर डी एम बाई डी एक्स की बात हो रही है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे मोमेंट शीयर फोर्स से, सॉरी, जो भी हमारा शीयर फोर्स है या जो भी सेक्शन का शीयर फोर्स आ रहा है उस पर ये डिपेंड करता है मोमेंट के रिस्पेक्ट में। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सेक्शन है, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक यूडीएल सेक्शन है जो एल डिस्टेंस पे काम कर रहा है। ड्यू टू सिमेट्री, दोनों ही सेक्शन पूरे सिमेट्री को शो कर रहे हैं। अगर हम इसको हाफ सेक्शन एल बाई टू पर डिवाइड कर दें तो जो दोनों पर रिएक्शन आएगा वो डब्ल्यू नॉट एल बाई टू आएगा। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक स्मॉल इक्वेशंस दिए थे दो, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट से रिएक्शंस निकाल सकते हैं। अगर फॉर शीयर फोर्स की अगर हम बात करें, शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमें सेक्शन का। अगर फॉर शीयर फोर्स एट बी पॉइंट पर बात करें, यानी कि फर्स्ट से स्टार्टिंग में, तो जितना रिएक्शन लग रहा है उतना ही शीयर फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लग रहा है वो डब्ल्यू नॉट एल बाई टू लग रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसके आगे जब हम बी टू ए की बात करते हैं, तो बी टू ए पे अगर हम देखें शीयर फोर्स डी वी बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, मैंने बताया लोड इंटेंसिटी के, ठीक है, यानी कि वी डब्ल्यू। तो ये जो W है, यहाँ पर ये जो W है ये लोड इंटेंसिटी बी टू ए आपको क्या दिखाई दे रही है, ये हमेशा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ SFD डाउनवर्ड यानी कि निगेटिव हो जाएगा, और जो UDL है वो पूरा कॉन्स्टेंटली लग रहा है, तो ये सेक्शन पर जो हमारा वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट आया क्या है, हमारा स्लोप आया है, किसका आया है, शीयर फोर्स का। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट किसकी बात कर रहा है। ये देखिए निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट स्लोप लाइन,
तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सेक्शन है ये क्या हो गया डब्ल्यू नॉट एल बाई टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, या आप चाहें तो इसे अभी नहीं ड्रॉ करें, इसको बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब तब हमें पता चल जाएगा कि मिड पॉइंट कहाँ पर हमको ज़ीरो दे रहा है सेक्शन। इसके बाद आगे ड्रॉ करते हैं, इसके बाद जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो एट बी ए पॉइंट है वहाँ पे आपका शियर फोर्स कितना है। तो हम यहाँ पे डेल्टा वी निकाल लेते हैं, वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो गया एरिया अंडर लोड डायग्राम। ठीक है, तो एरिया अंडर लोड डायग्राम आपको कितना मिल रहा है, वी ए माइनस वी बी पे कितना है डब्ल्यू एल बाई टू। अब एरिया अंडर लोड डायग्राम मतलब क्या, वन यहाँ पर जो लोड डायग्राम है इसका W नॉट इंटू एल, ये माइनस में मिल रहा है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से वी ए बराबर कितना मिल जाएगा हमको, माइनस का W नॉट एल बाई टू। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि मिड स्पैन पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, तो एड मिड पे कितना मिलेगा हमको डब्ल्यू एल बाई टू वी ए हो गया माइनस डब्ल्यू एल बाई टू वी बी हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मिड स्पैन पे शियर फोर्स हमें कितना मिल रहा है, ज़ीरो। और दूसरी बात, वी ए पे क्या मिल रहा है हमको, ये माइनस में इसका जो वैल्यू आ रहा है माइनस डब्ल्यू नॉट एल बाई टू, और यहाँ पर क्या मिला था हमको पॉजिटिव डब्ल्यू नॉट एल बाई टू वैल्यू आई थी, लेकिन जो इसका निगेटिव जो सेक्शन था मतलब निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट लिया था हमने, वो लोड के कारण लिया था। तो अगर हम शियर फोर्स निकालेंगे तो हम लोड इंटेंसिटी को ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमें मिड पे ज़ीरो बनाना है, फिर यहाँ से माइनस बनाना है, तो ये प्लस ये माइनस दोनों जगह डब्ल्यू नॉट एल बाई टू इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसी की तरह इसे बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट क्या देखना होता है हमको, डी एम बाई डी एक्स बराबर हमको वी देखना होता है। अब वी क्या है, पहले सेक्शन पे वी क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। तो स्लोप इसमें से देखते हैं हम, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप ये दे रहा है। ठीक, अगर शियर फोर्स की अगर यहाँ पे मतलब यूडीएल की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे तो हमको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमको स्लोप ऊपर की तरफ बनाना है, जैसा कि इसमें दिया है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप के बाद पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरे वाले सेक्शन पे कितना मिल रहा है हमको डी एम बाई डी एक्स, दूसरे वाले सेक्शन पे डी एम बाई डी एक्स माइनस वी मिल रहा है। तो माइनस वी का मतलब क्या कि इंक्रीजिंग स्लोप है दूसरे वाले सेक्शन पे। तो ये देखिए ये सेक्शन हो गया, ये देखिए वैल्यू क्या मिल रही है हमको, निगेटिव निगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप का वो था, निगेटिव एंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्लोप का ये है। तो सीधे से डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, बस इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है। पहले तो ये हाफ तक तो ऊपर जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ की बात हो रही है वहाँ उस सेक्शन पे यहाँ पे निगेटिव एंड डिक्रीजिंग। अब बात हो रही है कि इस पॉइंट पे कितना आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया मिड स्पैन है, तो एम जो होगा मिड पे कितना होगा मिड पर माइनस एट एम बी बराबर एरिया, जैसे पहले निकाला था, तो मिड पे बराबर एम एम बी तो ज़ीरो है माइनस ज़ीरो बराबर एरिया कितना हो जाएगा इस अगर ट्रायंगुलर से। अब देखिए अब आपको ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया देखना है, इससे पहले आप क्या देख रहे थे ऊपर वाले सेक्शन पे, आप देख रहे थे रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया माइनस डब्ल्यू नॉट इंटू एल लिखा था मैंने। अब आपको क्या देखना है, ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया देखना है, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू डब्ल्यू नॉट इंटू एल और बाई फोर, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई एट, ये इसका एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एल बाई टू डिस्टेंस पे लग रहा है ना, तो इसलिए नीचे फोर ले लिया है मैंने। तो एरिया निकाल लीजिएगा सिंपल एक ट्रायंगुलर का जो एरिया निकलता है एल बाई टू डिस्टेंस पे। तो ये एक तरीका है बाई ग्राफ बनाने का, और ये प्रोसेस आप अपने कन्वेंशनल सेक्शन में आई ई एस